नमस्कार जोहार आदाब, मैं हूँ आपका आजाद और आज हमारे साथ दुमका के जाने माने पत्रकार नीरज सिंह हैं। अब उनसे हम जानते हैं कि आज के दौर में पत्रकारिता कितनी बदली है। तबीयत खराब है, गले में खराश है और काफ़ी मेहनत करते हैं। रात 11 बजे इन्हें न्यूज पोस्ट करना पड़ता है और काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं। विनोद भाई हैं, अब इनसे हम पूछते हैं कि आज के दौर में पत्रकारिता करते समय कैसी कौन कौन सी जो परेशानियाँ जो उठानी पड़ती है एक पत्रकार को, इसलिए बोलना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज कोई भी अधिकारी अपनी जवाबदेही को समझ नहीं पा रहे हैं और खबर तो बन जाती है लेकिन अधिकारी पुष्टि नहीं होने के बाद बहुत बड़ी बड़ी खबर भी दब जाती है। इसी कारण कि हम लोग अच्छे खबर को भी जो समाज से संबंधित है या गरीब व्यक्तियों से संबंधित है, उत्पीड़न से संबंधित है, शोषण से संबंधित है, उसको हम भेज नहीं पाते हैं। अच्छा, एक पत्रकार जब एक न्यूज़ खबर ये बनाते हैं तो उसको डर किस चीज़ का भी लगा रहता है, आखिर क्या चीज़ का डर होता है एक पत्रकार को? अभी की जैसी स्थिति है उसमें तो एक प्रशासनिक डर भी होता है और प्लस पब्लिक का भी डर होता है कि पता नहीं आज ऐसा दौर से गुजर रहा है कि माफियाओं का राज है, कई माफियाओं को चुंगल में आ गए तो क्या होगा, प्रशासनिक मदद भी नहीं मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मोहित भाई भी हैं। तो दौर पत्रकारिता चल रहा है, डिजिटल मीडिया जो है काफ़ी जो पारदर्शिता के साथ खबरों को पहुंचाते हैं आपके पास में, लेकिन आप आम पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए हम जैसे पत्रकारों को, उसी के मैं मोहित भाई से पूछते हैं। तो मोहित भाई, कैसा अभी माहौल है पत्रकारिता के दौर में, अभी आम जो हम लोग इसे पत्रकारों लोगों के लिए किस तरह का माहौल है? आज के दौर का जो पत्रकारिता है वो दो, क्या कहते हैं कि दो ये में विभाजित हो गया है, एक हो गया है चाटुकारिता और एक है पत्रकारिता। तो पत्रकार जो है लाख सच लिखने के बाद लाख पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है सरकार द्वारा अधिकारी द्वारा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक चाटुकारिता की जो हम बात कर रहे थे, उन लोगों अपना बिजनेस करने के लिए बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो ठेकेदारी पे हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अपने लोगों को काम कराने के लिए मतलब अपना एक ब्रोकर भी कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया आने से एक तरह से लोगों को, इसके दो पहलू होता है हर सिक्के का, उसी प्रकार सोशल मीडिया जब आया है तो बहुत सारी सच्चाई जो है अब सामने आ रहा है। लेकिन जो बात है मुख्य धारा से जो पत्रकार जुड़े हैं बड़े बैनर से, बड़े संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग जो है सोशल मीडिया वाले को अब दावना जाते हैं, जबकि सभी को सपोर्ट लेकर के एक साथ हो करके चलना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात बता दें कि आज तक पत्रकार हित में जितने भी संघ संगठन हुए वो अपना दुकान चलाने का काम किए हैं। एक पत्रकार के सामने बड़ा चुनौती है जिसके कारण आज तक वो चौथा स्तंभ भी कहा जा रहा है, लेकिन उसमें उसका कोई हक अधिकार आज तक उसको न मिला है और न मिलने की कहीं कोई आसार है, चाहे वो पत्रकार सुरक्षा कानून हो। सबसे पहले तो ये बता दें कि आप जिस भी संस्था पे बड़े बड़े बैनर जो काम कर रहे हैं उसकी आय और इनकम क्या है, कितना संस्थान दे रहा है, तो उनके पास अगर करोड़ रुपया है तो वो करोड़ रुपया आया कहाँ से? तो सरकार उन लोगों को देख रही है जिसके कारण आज ये जितने भी पत्रकार हैं नीचे तबके के हैं तो उनका भी भला नहीं हो पा रहा उन लोगों पे, चल ये एक बड़ी समस्या है। जैसे कि आपने सुना कि आज हम लोग असुरक्षा का भी भाव है सोशल मीडिया जो रिपोर्टर है जितने भी, और कहीं ना कहीं जो दलाल मीडिया का जो तमका लगा हुआ है कुछ लोगों में, तो उनको पर्दाफाश करने का काम ये सोशल मीडिया के जो रिपोर्टर है उन्होंने किया। इसमें एक मुख्य समस्या आप लोगों को, जो आप व्यूअर से सुन रहे हैं, जितने पब्लिक हैं उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, हम लोगों को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग सपोर्ट करें हम जैसे पत्रकारों के लिए, ताकि हम आपकी खबर को लोगों तक पहुंचाएं और जो व्याप्त भ्रष्टाचार करप्शन फैला हुआ है पूरे देश में या पूरे राज्य में, उसके खिलाफ हम लोग अक्सर खबर देखते हैं। मैं कोर्ट कंपाउंड में आज चहल पहल चल रही है और इसी क्रम में हमारे साथ में हैं टिंकू अली जो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं। अब इनसे पूछते हैं जो वर्तमान में जो पत्रकारिता का जो दौर है और जो आम पत्रकार, जैसे हम लोग से पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि पत्रकारिता का स्तर कितना बढ़ा है या कितना घटा है?
2014 के बाद से तो पत्रकार को बोलना पड़ रहा है कि हम लोग निष्पक्ष पत्रकार हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बात बोलना पड़े कि हम निष्पक्ष हैं तो स्तर तो गिरा ही है। और जिस तरह अभी SIT रिपोर्ट के बाद भी राज्य मंत्री बने हुए हैं, पत्रकार उनसे सवाल पूछ रही है तो उसका कैमरा छीन लिया जाता है, तूत तड़ाक बेबात से बात किया जाता है, तो आम है कि स्तर गिरा। तो लेकिन उस पर गुण के साथ जो भी पिसा रहे हैं, आप लोग जैसे निष्पक्ष पत्रकार हैं, अब उस लोग के चक्कर में आप लोग का भी थोड़ा स्तर गिर रहा है। इसकी जवाबदेही कौन है? इसकी जो जवाबदेही है वो कौन है? वो चौथा स्तंभ खुद है। अच्छा, आपको इस दौर में क्या लग रहा है कि हम लोग जैसे जो रिपोर्टर है, हम लोग जैसे पत्रकार है, वो कितना जो काम जो कर रहे हैं वो क्या उसमें पारदर्शिता है या नहीं? आप ही लोग बचा कर रखे हैं। जो निचला स्तर का पत्रकार है, जमीन पर जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग जो कर रहा है, वही पत्रकारिता का स्तर बचा कर रखा है। नहीं तो चौथा स्तंभ तो देखबे किए हैं, नेशनल TV के एंकर चौरसिया जी को खंभा उलट गया है। कहा जा रहा है कि उसे संथाल परगना से ही भेजा गया था। अब तो पता नहीं। अच्छा, बहरहाल बात यह है कि आप लोग अभी सरकार में, गठबंधन की सरकार, तो गठबंधन की सरकार पत्रकार की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है? तो देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री है, गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री, वो तो सरकार का पत्रकार का इंश्योरेंस भी करवा दिए हैं, तो सुरक्षा का आँख से देखा जाए, सुरक्षा के नज़र से देखा जाए, तो गठबंधन की सरकार पत्रकार के लिए तो है। लेकिन ये तो सीमित हो गया, ये इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो पाया है, आपको संज्ञान में है ये? देखिए, एक कदम चला है, फिर चलते जाएगा। अब तो देश का स्थिति हो गया, जब तक रहोगे नहीं दूध नहीं मिलेगा। के बारे में सोचा, इंश्योरेंस तो मरने के बाद मिलेगा। चलिए, तो ये हमारे साथ में एक्सीडेंटल का भी, अगर कोई गड़बड़ा कर एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उसके लिए भी है, मरने से पहले भी पैसा सरकार देगी, है ना? तो ये हमारे साथ में हम लोग भी मांग वहाँ पर करेंगे, रखेंगे। हम लोग गठबंधन के नाते हम लोग प्रस्ताव रखेंगे कि भाई पत्रकारिता के लिए। झारखंड का जो स्थापना दिवस था उसमें बड़ा ही आस से हम लोग जैसे पत्रकार आस में थे कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा या जो सरकार, जो गठबंधन के में सरकार में है, कि एक आध डिब्बा मिठाई आए, ऐसा नहीं देखने को मिला। तो आपका क्या कहना है? सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। जिस तरह पारा शिक्षक लोग पेशेंस रखें, उन लोगों के लिए तो सुख का दिन आ गया। झारखंड सरकार बनने के बाद, कांग्रेस और JMM गठबंधन की सरकार बनने के बाद पारा शिक्षक का तो सुख दिन आ गया। अभी 50% तुरंत बढ़ जाएगा, जिसको 12 मिलता था 18 मिलेगा। सुख का दिन तो उसका भी आया जो बिना ओमार सीट क्या पास भी हो गया। तो कहीं कहीं गलती हुआ है और पहले से चला आ रहा है ना, भाजपा 5 साल जो सरकार चलाई, रिद्धि सिद्धि उड़ा के रख दिया। हमारे साथ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष टिंकू अली जी थे। कोर्ट कंपाउंड से आज हम लोग सभी बड़े भाई छोटे भाई एक जगह मिले हैं।